तो हेलो गाइस, आज के सब सब लोग आज की वीडियो में हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज तो पिछली बार हमने बनाए थे आयरन फार्म जो मस्त सब वर्क कर रहा है। तो मैंने इधर एक विलेजर को रखा हुआ है जो आपको देखना है। हीटर है ना, हीटर मैंने रखा हुआ है एक विलेजर को। मतलब लावा है हीटर इस साइड पे, इधर सॉरी लावा हीटर है। तो मैंने विलेजर को हीटर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरा मन हुआ यार कि आज हम डायमंड ढूंढेंगे। ओके तो ये वाली मेरी बोनी है, ये भी मेरी बोनी है। तो मैं सब कुछ पहले तो रख लेता हूँ क्योंकि हम ये मेरा काम नहीं है। तो देखो जब हमें क्या है ना, मतलब हमें एक मस्त सी ट्रिक है जो मैं यूज़ कर कर आज डायमंड ढूंढने वाले। मतलब जैसे कि हम ट्रैप डोर लगाते हैं और सीधा हमारे से झुक जाते हैं। जो ट्रिक बस मुझे पता है कि जावा एडिशन में ही होती है, पर हम वो ट्रिक इसमें करेंगे। अभी आप सोचे भाई किसमें, तो मैं बता दूं कि हम ये वाली ट्रिक करेंगे पॉकेट एडिशन में। तो ये ट्रिक मज़ा आएगा। और मैंने ज़्यादा टेक्नो गेमर की तो स्किन नहीं है, पर हाँ भाई मतलब टेक्नो गेमर के पीछे में, मतलब पीछे थर्ड पर्सन होते हैं ना उसमें टेक टी है, पर मेरे फर्स्ट पर्सन में भी टी है। तो मैंने टेक्नो गेमर की स्किन तो नहीं है ज़्यादा, तो मैं टॉर्चेस लेकर नहीं आया हूँ। हीटर टॉर्चेस के लिए लकड़ियाँ, अपन लकड़ियाँ लेकर आते हैं फिर तो टॉर्चेस बनाते हैं। सबसे पहले चलो निंजा आगे। तो अभी मुझे चाहिए लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ तो हीटर ही है। तो मेरी 40 HP है अभी के लिए। अच्छा वाइट पेड़ मिलेगा, तो अभी यही पेड़ हम लगाएंगे क्योंकि हमें पेड़ रखना चाहिए। मर रहे इससे क्या हुआ, मतलब मुझे मस्त मस्त ज़्यादा आयरन मिलेंगे। और हमें पार्ट टेन तो पार्ट 11 में वीदर को मार देना है। नहीं ये वीदर को तो नहीं मारना है, पर हाँ वीदर को तो मैं बिल्कुल भी मारना वाला, मैं एंड्री ड्रैगन को मारने वाला हूँ। और पार्ट 11 में हम इसको मारने वाले हैं। अभी आप सोच रहे हो किसको, तो मैं बता दूं कि हम वीडर को मार रहे हैं पार्ट 11। एक नहीं भाई बल्कि हाँ पहले एक मारेंगे बाद में दो, क्योंकि भाई बहुत घंटे की वीडियो बन जाएगी। एक वीडर को ही बस है, इधर मुझे आयरन मिल रहा है तो आयरन ले लेता हूँ। और गाइस हमारी 100 डे सर्वाइव करने वाली वीडियो आने वाली है, आपको देखना मत भूलना। मतलब मैं वो बनाने वाला हूँ वो वाली वीडियो को। 1 मिनट में 25 हो गए, वाह। तो मुझे स्टिक्स चाहिए और इसके ये चाहिए थोड़े से टॉर्चेस, थोड़े से नहीं पर ज़्यादा है मुझे पता है। 60 भी बहुत है, मुझे आयरन मिलेगा मैं उधर से ले लूँगा। भाई चलना जल्दी जल्दी, मैं चलता हूँ सीधा उधर माइनिंग की। तो अभी हम 12 लेवल पे ना, तो ये हमारा 11, ये हमारा 10 लेवल है। तो हमें क्या करना है, अभी आपने हीटर से ऐसे ब्लॉक्स खोदेगा, मतलब आपको उधर तक खोदना है। रुको तो मैं हीटर से ऐसे लेता हूँ। तो देखो आपको क्या करना है, हीटर पानी रखना है, फिर ऐसे आपको स्विमिंग करना है, और हीटर से क्या करना है आपको ब्लॉक तोड़ के जाना है। इससे क्या होगा मतलब आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। तो ब्लॉक्स पानी देखो 8 ब्लॉक्स तक होता है, ये हमारा 9 ब्लॉक है। तो हम देखो भाई स्विमिंग 8 ब्लॉक के अंदर से करेंगे माइनिंग, तो ऐसे करना। और हाँ कौन सा भी ब्लॉक अभी मत तोड़ना, नहीं तो आप ऐसे फिर आपको फिर करना पड़ेगा। देखो ऐसे मैं डायमंड ढूंढने वाला हूँ, कभी भी रिस्क मत लीजिएगा। देख रहे हो भाई ये होता है मेरा मतलब। अब मुझे हीटर से माइनिंग करना पड़ेगा, हीटर पर तो ही ना
लावा होता है मुझे पता है, लावा होता है उधर डायमंड्स मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, पर मुझे ये इसको नहीं लेने दे कभी, मतलब लावा के नीचे भी होता है डायमंड। और मैंने गलती से ये ब्लॉक तोड़ दिया, लगा दो आपने कौन सा भी मतलब सेकंड ब्लॉक वाला ये वाला ब्लॉक तोड़ दिया ना, तो आप पक्का फिर से आपको ऐसे दो दो ब्लॉक के लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। तो कौन सा भी रेयरेस्ट हो वो कुछ भी हो, पर आप लेना ही मत, रेयरेस्ट ब्लॉक हो या कौन सा भी हो पर आपको तोड़ना ही नहीं है। चाहिए तो आप बाद में तोड़ लेना, डायमंड्स के बाद, डायमंड ढूंढने के बाद आप तोड़ सकते हो इजीली। मैं आज मेरे इसके ऊपर पहुंचे मेरे को इसमें क्या जाता है देखते हो भाई, कभी भी आप फास्टेस्ट माइनिंग मत करिएगा प्लीज, नहीं तो अलग लग जाएंगे आपके। इधर देखो, कभी भी आप जरा रिस्की काम मत लिया करो भाई, नहीं तो क्या हो जाता है आप फुकट में मर जाओगे, फिर आप मेरे को मत भूलने भाई। बस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दे देना, देख रहे हो देख रहे हो। ओहो, इसके ऊपर ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। अगर ग्रेवल होगा ना, ग्रेवल आपको मतलब ऐसा नहीं होता, इसके अंदर ग्रेविटी भी होता गाइस। देखो आओ, इधर से आप ऐसे ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए, लगा के चलिए। मेरे लगा हुआ है तो ज़रा स्पीड से ये करते हैं, तो आपके भी एफिनेंसी में सेंड तोड़ने में आपको बहुत फास्टेस्ट माइनिंग होगा, आपको ऐसे लगेगा कि आप किस रफ्तार से मतलब पूरा एफिनेंसी टू भी अच्छी होती है, पर उसका क्या होता है मतलब अच्छी नहीं होती ज़रा सा। यस, इधर लावा पूल है, अभी मैं अभी कुछ पहले ही बोला कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, पर अभी मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले इसके अंदर कुछ होगा तो मैं जाऊंगा भाई। इधर लैपिस है, लैपिस भी कुछ काम का है यार, ऐसा नहीं है कि भाई लैपिस कुछ काम का है नहीं, आप लैपिस को भी ले लो नहीं तो वो बोलेगा यार ये डायमंड को लेते हो मुझे नहीं लेते हो, ऐसा उसको गुस्सा आ जाएगा यार। तो आप क्या करते हो, बोलते कि हीडर होगा ना तो डायमंड तो लैपिस के नॉर्थ साइड जाना, तो हे होगा साइड, ये देखो भाई कितने डायमंड है भाई। मैंने वाटर मैं दो पैकेट ले लेकर आया हूँ यार, रिस्क मत लेना भाई, नहीं तो आप फुकड़ में मर जाओगे। तो मुझे ना इस साइड से रिस्क लेना, तो मैं इस साइड जा रहा हूँ। हाँ वही मैं सोचू भाई कैसे, तो मुझे सबसे पहले ब्लॉक्स ऐसे लगा कर खेलना पड़ेगा। डायमंड्स है, डायमंड नहीं है, चलो मुझे डायमंड्स तो नहीं दिख रहे, जरा खोद कर देख रहे क्या वो मिल गया, इसके नीचे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। चलो हम हमारी माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। मैं आया कहाँ से था, मैं भूल गया रास्ता, पर इधर आयरन है, आयरन ले लेते हैं, आयरन काम का भी है, उसको इग्नोर नहीं करने का भाई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से ऐसे मुझे ब्लॉक खुद कर जाना पड़ेगा और मुझे अपना घर ढूंढना पड़ेगा। कर दो मेरा इससे स्मार्ट टॉर्च बनाता हूँ और हाथ में पकड़ के लेकर चल दे, मतलब क्या हुआ हमें अंधेरा नहीं दिखेगा, मतलब हमें बस सही दिखेगा उजाला। तो मुझे भाई देखो, मुझे कॉबल स्टोन बहुत चाहिए, क्योंकि हम कॉबल स्टोन की भी कॉबल देख रहे हो आप, कभी भी ऐसा मत करिएगा, नहीं तो मेरे पास अच्छा हुआ कि मेरे पास है भाई, मेरा अभी ना रिस्क नहीं लेना है मुझे, पहले देखते हैं इसके नीचे क्या है, नहीं तो ग्रेवल से टपक जाएगा, हम पकड़ में मर जाएंगे।
साइड भी है उधर, इसको एंडर साइड ही बोलते ना, इसको शायद एंडर साइड बोलते, कहाँ पर गया, हाँ यार एंडर साइड ही बोलते इसको शायद से। मैं 34 लेवल पे हूँ, पता नहीं मैं कहाँ से निकलूँगा। विलेजर आउटपोस्ट से मत निकलना भाई तुम, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि विलेजर आउटपोस्ट से बिल्कुल मत निकल। आयरन दिख रहा, आयरन ले रहे थे, उसका क्या है आयरन की, आयरन का ना आपको फॉर्च्यून पिकेक्स से ज़्यादा देगा। 1.16.4 मुझे बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि भाई इतना आयरन ढूंढो, इतना ये देखो एक मिनट में कितना आयरन हुआ, एक मिनट में मुझे दो मिनट में मिले, तो मैं सीधा ऊपर चलता हूँ अभी के लिए। तो चलो लेट्स गो 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 गो। तो चलो, इसको ही नहीं था मेरा, एक मेरा छोटा भाई था, तो मैं कोबलस्टोन यूज क्यों कर रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब बाद में मुझे बोलना मत कि तुझे कोबलस्टोन चाहिए था, तो अभी तू ये क्यों यूज कर रहा है भाई, तो मुझे बिल्कुल मत पूछना, क्योंकि मुझे लगा भाई यही होगा। चलो भाई 1 2 3 4 एंड मैं अपने माइनिंग के बाद से निकला हूँ, तो मैं जरा ऊपर मतलब ऐसे ब्लॉक्स लगाता हूँ, मतलब हमें समझेगा कि हाँ भाई अब आया ही हूँ, तो मैं दूसरे के घर में सो जाता हूँ ना। उसमें क्या है यार, हम दूसरे के घर में सोते हैं भाई, विज भी है यार उधर, उधर ये पक्का ब्लास्ट फर्नेस वाला घर होता है ना उनका होगा, ये भी लाइब्रेरी उनका घर है, मुझे पता है, याद है मुझे बिल्कुल। भाई भाग ना, ज़ॉम्बीस आएंगे, फूटेंगे, क्रीपर ब्रीपर जो भी हो पक्का है। इसका मैंने बेड चुराया है, देख रहे हो, मुझे पता था, क्योंकि मैं इसी घर में पहले सोता था। आप तभी मेरा कैसल नहीं था, तभी मैं इसी घर में सोता था भाई, आपको याद नहीं होगा पर मुझे याद है। तो अभी क्या है, मतलब मैं समझती नहीं हूँ, पर हम हमारे टूल्स को इंचेंट तो कर सकते हैं ना भाई। वो पक्का पानी में गिरा है, हाई ज़ॉम्बी क्रीपर जो भी हो, पर मैं हाई, मैं उनको क्यों हाई कर रहा हूँ भाई, वही तो दुश्मन होते हैं, सही बोलू। हाँ तो अभी हमारा क्या काम था, तो हम जरा इंचेंट करने वाले थे, बराबर या बराबर है ना, याद है ना मुझे, तो मैं मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने अपना डायमंड आर्मर कहाँ पर रखा था। मैंने फोर्ट्रेस ढूंढने गया था, तभी मैंने पूरा डायमंड का आर्मर उतार के रखा था, शायद तो मेरा डायमंड का आर्मर चेस्टों में होगा ना, क्योंकि और किधर मेरा होता ही नहीं है। इधर से 48 मिल गए, ले लूँ, देखो पॉकेट का माल नहीं था, मैंने ले लिया। तो मेरे पास 4 ग्लो इंक्स, क्या बोलते हैं, सैक है, एक दूध है मतलब मिल्क है, और एक सैडल है मेरे पास, एक गोल्ड ब्लॉक है, एक गोल्डन एप्पल है, एक मेरे पास क्या क्या नहीं है, ये स्पाई ग्लास चाहिए यार, स्पाई ग्लास ले लेते, टॉर्च नहीं लिया। हाँ ये रहा मेरा डायमंड का पूरा कवच जो मेरा टूटने वाला था। और मैंने क्या कर लिया, मैंने बहुत सारे हेयर, मुझे एक हेयर चाहिए, तो मैं अभी इधर क्यों आया हूँ आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे चाहिए इसके ऊपर एफिनेंशी शार्पनेस, तो मैं एफिनेंशी ले ले रहा हूँ, एफिनेंशी 2 ले लेते हैं। ओके तो अभी क्या है हमारा, अभी काम है जो डायमंड आर्मर को मैं इधर ही रख देता हूँ, क्योंकि डायमंड आर्मर बहुत है यार, रेयर नहीं है, एक बार घूम टू फिर से ढूंढना डायमंड ढूंढो इधर है मेरे पास ब्लू स्ट्रेप डूर, ये है पोई, मुझे याद नहीं। तो चलते हम जरा रवीन में, देखते हैं जरा उधर क्या मिलता है, रवीन में डायमंड्स मिले तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। तो मेरी
पता है कि उस साइड है ना रवि हमारी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, देखते हो उसको। स्पाई ग्लास से मजा आता है यार देखने में, दूर दूर की चीज हम देख सकते हैं एक साथ। देखो वो पेड़ मुझे दिख नहीं रहा था, हम स्पाई ग्लास से देख सकते हैं। और आपने शिप को पास से देखा तो कितनी मतलब फेल लग रही है। रवीन ढूंढो। हाँ रवीन को, मुझे रवीन का जगह पता चली है। और जब आप मुझे हे मैंने खुद ने डर्ट ब्लॉक इधर डर्ट ब्लॉक लगाया था, फिर बाद में इधर आया, ये रहा रवीन जो मैंने इधर चेस्ट खुद ही लगाया था, मुझे बिल्कुल याद है। बस मैं मरूँ ना, ये अपन पीरो है, कितना पीरो मैं समझ रही हूँ। तो मैं आया इसलिए था, मुझे वो चाहिए एमिस्टियस शॉर्ट, इसलिए एमिस्टियस शॉर्ट बोलते हैं मुझे करीब पता है। ये देख रहे हो गाइस मेरा, देख रहे हो मैं ब्लॉक क्लचिंग की, मुझे आती है क्योंकि मैंने इधर पता है मुझे रेड हुई थी, तोड़ने में कितना मजा आता है। तो ये एमएसटी शार्प है। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी होगी, अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय बाय। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम बनाएंगे एक मस्त सा मॉडर्न हाउस। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।